हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं जे से रिलेटेड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. फाइंड द टोटल करंट इन अ सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 mm इफ द करंट डेंसिटी वेरीज विद आर अकॉर्डिंग टू जे इक्वल टू 10^3 बाय आर एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर. मीनिंग ये है कि कंडक्टर जो है वो रखा हुआ है सपोज एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर और कंडक्टर है इसलिए हम इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कंडक्टर की रेडियस हमें 2 mm बोला हुआ है. मतलब जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रो कंसिडर करते थे वो यहाँ पर आर से स्पेसिफाई हो रहा है. आर को देखकर आप ये ना समझे कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही प्रॉब्लम है जिसमें रो को हम आर से स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 2 mm है. तो अब इस पर्टिकुलर कंडक्टर में ये कहा जा रहा है कि करंट डेंसिटी जो वैरी कर रही है वो अलोंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर वैरी कर रही है. और किस हिसाब से वैरी कर रही, तो वो एक्सप्रेशन में दिया हुआ 10^3 डिवाइडेड बाय आर. मतलब R की वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है तो करंट डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, मतलब कोर में ज्यादा करंट बह रहा है इस कंडक्टर के. तो चलिए आए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds से, जिसमें ds को अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं डिफाइन करूंगी. तो इस क्रॉस सेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ds से, तो वो हो जाएगा रो डी फाई, मतलब आर डी फाई यहाँ पर. और आर डी फाई जो होगा वो तो आर्क लेंथ हो गई ये वाली, और ये वाला वेरिएशन जो होगा वो dr का होगा. तो जो ds आएगा वो आर डी फाई dr, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया की, z डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन z है तो az डायरेक्शन में ds डिफाइंड है. अब i को जब हम फाइंड आउट करने के लिए j को सब्सटीट्यूट करें, 10^3 बाय r है और जे की जो डायरेक्शन है वो करंट इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जे की भी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन की होगी. मतलब इसे मुझे ए जेड से डिफाइन करना रहेगा. तो मैग्नीट्यूड जे का ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गई. तो जब हम जे डॉट डी एस फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी एस की डायरेक्शन ए जेड है, जे की डायरेक्शन ए जेड है, तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 10^3 बाय आर इंटू आर डी फाइव डी आर ऐसा पूरा हो जाएगा. आर आर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए रहेगा 10^3 डी फाई डी आर, और फाई की लिमिट जो होगी वो 0 to 2 pi, क्योंकि कंडक्टर के पूरे सर्कमफेरेंस को हम चेकआउट कर रहे हैं आई फाइंड आउट करने के लिए. और जेड जो होगा वो 2 mm वाला है तो मीटर्स में हम ले रहे हैं तो 0.002 ऐसी लिमिट होगी. तो 0 to 0.002 ये सब सब्सटीट्यूट किया तो 10^3 ये हो गया. आर के लिए इंटीग्रेशन में आर आएगा 0 to 0.002 इसकी लिमिट्स हो जाएंगी. फाई के लिए फाई आएगा 0 to 2 pi. पूरा सॉल्व करेंगे तो 10^3 0.002 और यहाँ पर 2 pi आ जाएगा. पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 4 pi एम्पियर्स आ जाएगा.